नौवीं क्लास के जो बच्चे हैं वो जानेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने क्या बताया था कि जब किसी भी वस्तु को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है। कितनी कमी आ जाती है? जितना द्रव्यमान का वो पानी हटाती है, उसने कितना पानी हटाया उस द्रव्यमान को हम तोल के, उस पानी को हम तोल के देखेंगे, उस द्रव को हम तोल के देखेंगे। जितना उस द्रव का द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान उस वस्तु का कम हो जाएगा, यानी भार उसका कम हो जाएगा। तो हम इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। हमारे पास एक ये सिलेंडर है और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, पानी डालेंगे और इसको हम देखेंगे। जब पानी निकलना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें पानी डालना बंद कर देंगे। और इसको हमने बंद कर दिया है, इसमें जो ये एक्स्ट्रा पानी डल गया है इस पानी को हम क्या करेंगे, वापिस हमने बिकर में डाल दिया है। और अब ये हमारा अच्छे से बिल्कुल सही भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, दो लोहे की बोल ले लिए ताकि हम अच्छे से एक्सपेरिमेंट को देख पाए। और अब हमने देखा कि देखो हमने इसको निकाल दिया तो इसकी जो रीडिंग है वो कहाँ पर है, जीरो पर है। कितने पे है बेटा? जीरो पे है। अब हमने इसको एक को डाला बोल को, लोहे की बोल को, तो थोड़ा सा नीचे आ गया। अब हमने क्या किया, दूसरी बोल को और डाल दिया इसके अंदर। ये है क्या, हमारी कमानीदार तुला। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये है हमारी एक किलोग्राम की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्राम यानी यहाँ तक हो जाएगा हमारा 100 ग्राम। यहाँ तक कितना होगा, 100 ग्राम। एक किलोग्राम को 10 भागों में बांट रखा है तो ये यहाँ तक कितना होगा, 100 ग्राम। लेकिन हमारा 100 ग्राम से कम नहीं है, 50 ग्राम के आसपास इसका द्रव्यमान है। अब हम इनको पानी में डुबो के देखेंगे क्या इसके द्रव्यमान में कमी आएगी। रीडिंग में थोड़ी आगे कर कोमल। अब हम इसको धीरे धीरे डुबोएंगे और आप देखेंगे पानी इसने निकाल दिया है जो एक्स्ट्रा था, और जितना पानी निकल गया है और अब इसकी जो रीडिंग है वो ऊपर आ गई है, सिर्फ 2 डंडों से नीचे ही है। ये लगभग 20 जो ग्राम है उसके आसपास, मिलीग्राम के आसपास इसका आ गया है जो रीडिंग है। अब हम इसको देखते हैं, अभी यहीं पे देखो हमने इसको बाहर निकाल दिया तो रीडिंग क्या होगी, नीचे आ गई, आ गई ना। जैसे फिर डुबोते हैं तो रीडिंग क्या होती है, इसकी ऊपर की तरफ आ जाती है। इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है। फिर उसमें कितनी कमी आई हम क्या देखेंगे, जितना पानी इससे बाहर निकला है इस पानी को हम मापक सिलेंडर, ये क्या है हमारा मापक सिलेंडर, इसके अंदर हम इस पानी को डाल लेंगे और हम इसकी फिर क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे। अब आप देखेंगे जो वस्तु ने पानी कितना हटाया है, यहाँ पर जो ये हमारा मापक सिलेंडर है ये मिलीग्राम में है, यहाँ पर इसने कम से कम ये 5 और ये यहाँ तक 10 मिलीग्राम तक का पानी इसने हटा दिया है। उसमें भी हमने रीडिंग देखी थी कि जो 10 25 का था लगभग, फिर वो कितना हो गया था, 10 12 के आसपास रीडिंग रह गई थी। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि जितने द्रव्यमान का पानी इसने हटाया है उतनी ही द्रव्यमान की कमी इसमें आई थी। ये हमने क्रियाकलाप करके जान लिया है, सिद्ध हो गया है। तो अब हम जानेंगे अगला दूसरा प्रैक्टिकल। तो यहाँ हमने जाना कि जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है। तो मैं समझती हूँ आपको बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा, 9वीं क्लास के जो बच्चे हैं